ओके सो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बेटा एक सिंपल सा चैप्टर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की गई है बहुत सारे लोगों ने द्वारा। यूनिवर्स कैसे आया, अर्थ कैसे आया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कैसे हुआ। बेसिकली ये चैप्टर जो है इवोल्यूशन, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट कहता है कि ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, तो दूसरा पार्ट कहता है कि अगर ओरिजिन हुआ उसके बाद में अलग अलग मतलब ये डाइवर्सिटी बढ़ी कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एक्चुअली पार्ट है। पहला तो हमारा इम्फेसिस ओरिजिन के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन में कि बिग बैंग हाइपोथेसिस आपने सबने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि हमें यहाँ नोटिस करना पड़ेगा कि जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम वाज वन पार्ट ऑफ द सिंगल गैलेक्सी एंड ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स एगो, ठीक है। तो ये एक नंबर है जो हम पूछेंगे, ठीक है, इसके बारे में हमें क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कॉस्मोस और यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 15 to 20 billion ईयर्स बैक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखने को मिलता है एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, रिडल जैसे क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि बिग बैंग हुआ और 15 to 20 billion ईयर्स है वो ऐसा हुआ, और मतलब ये कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी विड्थ जो है वो कम से कम 90 billion लाइट ईयर्स इतना कुछ तो भी है, तो बड़ा ही अजीब सा एक एनोमेली दिखाई देती है यहाँ पे, क्योंकि तो इतने सालों में इतना दूर तक कैसे मतलब जो यूनिवर्स फैल सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। एनीवे तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक है ना लैम और कंटिन्यूस गैसेस जिनको हम लोग कहते हैं क्लाउड स्कैटर्ड इनटू द पैचेस और एक्सपैंडेड सो दैट सम व्हाट है ना टेम केमे डाउन, वो एक अलग ही बात है। इसको हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था तो डेथ है ना उसमें, इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जब बातें करते हैं तो फिर हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स ये सब में घुस जाते हैं हम लोग, और ज्यादा हम लोग इमेजिनेटिव हो जाते हैं। एनीवे यहाँ हमारे लिए दो नंबर है, वन इज अ 15 to 20 billion ईयर्स बैक अर्थ का जो है बेटा ओरिजिन, सॉरी यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, और सोलर सिस्टम वॉज वन पार्ट ऑफ द सिंगल गैलेक्सी एंड ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 billion ईयर्स एगो। इस हिसाब से हम लोग मानते हैं कि अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 billion ईयर्स है। अब एक मजेदार बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जितने प्लैनेट सोलर सिस्टम में हैं, जो कि 8 planets है, ये सारे प्लैनेट का भी बेटा एज उतना ही है, 4.5 billion ईयर्स है, तो ये सब एक साथ ही आए हैं। So Earth originated about 4.5 billion years ago and the condition on Earth were high temperature, volcanic, storm, reducing atmosphere, containing CH4, NH3, H2. यहाँ पे आप देखना हाइड्रोजन गैस के बारे में लिखा है, मिथेन, NH3, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये सब कुछ बेटा हमारे प्राइमोर्डियल अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था। When the Earth temperature falled, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर कम होता चला गया, देन द लिथोस्फीयर एंड गैसेस एनवेलप सराउंडिंग इट अपीयर्ड, ठीक है, तो अर्थ की जमीन बनी और एटमॉस्फेयर बना, हाइड्रोस्फीयर अपीयर्ड लेटर व्हेन अर्थ टेम्परेचर कूल डाउन टू टेम्परेचर बिलो 100 degrees Celsius। तो धीरे धीरे बेटा जहां पे भी हो सकता था क्लाउड्स बनते गए, है ना, थोड़ी थोड़ी सी रेन होती चली गई, एंड सो दैट वी गॉट दिस एंटायर अर्थ, ठीक है, रिड्यूसिंग अर्थ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ से हमें कुछ भी स्कीप नहीं करना है, सही से सभी चीजें नोट करना है, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं और इसको बहुत टाइम लगेगा। अब आते हैं अर्थ की तरफ, अर्थ, द अर्थ, है ना।
originated about 4.5 billion years ago. The temperature of early Earth was 5,000 to 6,000 degrees Celsius and without atmosphere. तब Earth के ऊपर atmosphere नहीं था. The latter conditions on Earth were high temperature, volcanic lava and volcanic storms, molten masses, volcanic lava जो है flow होता रहता था, covered with the Earth surface and it released. ये देखो यहाँ पे आपको देखना है CH4, NH3, अब यहाँ पे CO2 लिखा है, water vapors, ये सब कुछ release हुआ. ठीक है, जैसे हम लोग देखें यहाँ पे water vapor है from sun because of, है ना, no, तब ozone layer बिल्कुल भी नहीं था, तो direct ultraviolet rays earth के ऊपर आती थी, तो बेटा उन्होंने H2 और O को separate किया, इसीलिए hydrogen gas तब available था. नाउ देखो यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलता है CH4, NH3, ऑक्सीजन, ये सब कुछ कंबाइन हो सकता है, इससे H2O बन सकता है, अगेन CO2 बन सकता है, या नाइट्राइड्स बन सकते हैं. ठीक है, ऑल गैसेस लाइक H2, CH4, NH3 मेक द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग. तो तब हमें ये नोटिस करना है कि बेटा उस वक्त रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं था. बाय द पासिंग ऑफ द टाइम अर्थ रोटेटिंग स्पीड एंड टेम्परेचर, ठीक है, केम डाउन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड हाइड्रोस्फीयर फॉर्म आफ्टर लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे अभी आप देखोगे मार्स के ऊपर बेटा बहुत सारे जो भी क्यूरियोसिटी वगैरह जो गए हैं, ठीक है, प्रिजर्वेंस जो भी, ये सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं वहां पे, कहीं वाटर है क्या. तो मार्स पे मतलब मंगल ग्रह पे हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी जगह देखने को मिलती है, वहां पे ये पता चलता है कि पहले वहां पे वाटर था, अभी नहीं है. आज की कंडीशन में मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब बाकी तो जो भी आता है भूल भुलैया वाली चीजें बताते हैं, ये वो ऐसा वैसा है ना, रहस्य, तो वो कुछ नहीं है. आज मार्स के ऊपर बिल्कुल भी लाइफ को सपोर्ट करने वाला एटमॉस्फेयर तो नहीं है, मतलब जिस तरह का लाइफ हम अज्यूम करते हैं जो कि अर्थ के ऊपर है, वैसा भी पॉसिबल नहीं है. अभी अर्थ कोर जो है उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर, उसमें सिलिकॉन, ये सब सब एलिमेंट बेटा वहां पे अवेलेबल है. एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हेलियम, आर्गन, ये सब सब बेटा है, कार्बन, ऑक्सीजन. और हाइड्रोस्फीयर जो था वो तब का हॉट बॉइलिंग वाटर था, जिसको हम लोग हॉट बॉइलिंग सूप भी कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह सा एक रिड्यूसिंग सा एटमॉस्फेयर जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, वाटर जमा होना शुरू हुआ था, वो जो चीजें हैं उस समय हमें देखने को मिलती थी उस समय, है ना. अभी अभी तो अलग है, अभी तो फुली ऑक्सीडाइजिंग वाला, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, तभी रिड्यूसिंग वाला था. ठीक है, थ्योरी जो है रिलेटेड टू विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब क्या क्या थ्योरीज है भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए. नाउ थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. अब यहाँ पे देखो बहुत से लोग थे, बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर थे, वो कुछ भी बोलते थे, स्ट्रॉ से सांप बन गया, धागा रख दो यहाँ पे, पानी में डाल दो, धागे से सांप बन जाएगा, है ना, अच्छी कीचड़ में से एकदम मेंढक बाहर निकलेगा, फ्रॉग, इस तरह की बेटा कहानियां थी. So, given by some Greek thinker like Aristotle, Plato, ये सब जो है, life came out of the decaying and rotting of non-living matters like the straw and mud. ये सब कुछ सड़ सड़ के सब कुछ हो जाता था. इसके सपोर्टर भी थे, तब क्या था, कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो बस है ना, ख्याली पुलाव पका लेते थे, बड़ी बड़ी बुक्स लिख दी है इनके ऊपर तो लोगों ने. ठीक है, बट उसके बाद आता है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, जिसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी मानते हैं. स्पॉन्टेनियस, अचानक कहीं से भी बेटा अर्थ में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है पैदा हो सकता है. ठीक है, एक मैंने यहाँ पे इसका पढ़ा है, एरिस्टोटल का, घोड़े ऐसे दौड़ रहे हैं, हॉर्स इज रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड मड में उसके जो होते हैं ना, जो सर के ऊपर जो बाल होते हैं वो गिर गए नीचे, बस. ठीक है, अगर वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है और उसके जो हेयर है अगर वो नीचे गिर जाते हैं तो उससे बन जाता है स्नेक, माय गॉड. ठीक है, ये गजब ही है. सो नाउ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है. देखो आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जब आप सेल ये चैप्टर पढ़ते हो
तब आपको एक बात समझ में आती है जिसको हम लोग कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना, वर्चो वाला कंसेप्ट। वर्चो क्या कहता है कि कोई भी सेल है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा, ठीक है, ये वो कहता है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट है जैसे कि हार्वे एंड हल्सले, है ना, न्यू लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यही वो बात कह रहे हैं कि पहले कुछ तो होना चाहिए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसी से नया जो है ऑर्गेनिज्म आएगा, वही अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो ही आएगा। इसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं, है ना, ओमनिस वीवम एक्स ओवा और वीवो, ठीक है, दैट इज व्हाट, है ना, वही है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वैसे ये ओमनिस वीवम एक्स ओवा या एक्स वीवो। सो है ना, इसके बहुत सारे सपोर्टर है, उसका एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बेटा लुई पॉश्चर। अरे लुई पॉश्चर जो है ही टुक स्वैन नेक फ्लास्क, अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है भाई साहब, है ना, स्वैन नेकेड फ्लास्क, नेक है उसका, ठीक है, तो ऐसा नेक ये है, ठीक है, तो इस नेक को आप देखोगे तो ऐसे प्रॉपर स्वैन जैसा नेक है। कंटेनिंग बॉइलिंग ईस्ट एंड शुगर, इसके अंदर बॉइलिंग ईस्ट और शुगर यहाँ पे रखा गया है अंदर, ठीक है। ही ऑल्सो गेव जर्म थेरी ऑफ द डिजीजेस, तो जर्म थेरी मतलब जो है डिजीजेस कैरी होते हैं फ्रॉम जर्मिनल थे, है ना, मतलब इनहेरिट हो सकते हैं, ये भी इसने बताया था। He discovered pasteurization. ये भाई साहब ने pasteurization का भी discovery किया था। He also discovered the vaccine of the anthrax and the rabies. ये सारे बेटा theories भाई साहब ने दी है। अगर आप इसके experiment को देखोगे तो वो कहता है कि जो है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप notice कर सकते हो कि no bacteria, bacteria नहीं है, airborne particles आ गए, यहाँ से air अगर enter भी करता है तो ये जो स्वैन नेक के कारण जो है डस्ट पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ पे अटक जाएंगे, इसलिए इस सॉल्यूशन में कभी भी आपको बैक्टीरिया ग्रो होते हुए नहीं दिखाई देगा। पर अगर आप ऐसा फ्लास्क लेते हो जो कि है ना, अगर तोड़ दिया जाए इस फ्लास्क को, यहाँ से अगर हम तोड़ देते हैं, यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं, तो इसी सोल्यूशन में, ईस्ट और शुगर सोल्यूशन में, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप स्टेरिलाइज मीडियम लेते हो, स्टेरिलाइज कंडीशन रखते हो, उस स्टरिलाइज्ड मीडियम में कभी भी आपको न्यू लाइफ ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि एयर यहाँ से एंट्री कर रहा है, एयर तो यहाँ पे पार्टिकल अटक जाते हैं, आ ही नहीं पाते, और इसकी वजह से, ठीक है, उसका जो स्वैन नेक वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसने ये साबित किया, बताने की कोशिश। इसके बाद है फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है, ही टुक जार कंटेनिंग बॉइल्ड फ्लैश और मीट, ठीक है, तो ये भाई साहब है, इसने बताया कि यार देखो अगर आप बॉइल्ड फ्लेश को रखोगे, मीट को रखोगे, ढक के रखोगे तो उसमें भी लाइफ नहीं आ सकता, बट अगर आप उसको नॉन बॉइल नहीं करोगे, ओपन रखोगे तो उसके ऊपर मैगेट्स, कीड़े, इंसेक्ट सब जमा हो जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा स्पेलेंजनी, ठीक है, लेजेरो स्पेलेंजनी जो है ना, ही टुक जार कंटेनिंग स्टरिलाइज्ड ब्रॉथ, इसने भी वही काम किया, ऑफ वेजिटेबल्स एंड मीट। तो इन्होंने ये सब थेरी से एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई स्टरिलाइज्ड मीडियम रखोगे, उसको ढक के रखोगे, तो उसमें अपने आप कोई लाइफ आएगा नहीं, आप उसको ओपन रखोगे तो एयर में जो स्पोर्स है ना, जो भी एग्स है वो वहां पे गिरेंगे और डेफिनेटली वही वहां पे खा खा करके मोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि उसी से आए हैं, उसी मीट से वो डेवलप हुए हैं। तो ये सब है ना उन्होंने साबित किया। उसके बाद आता है बेटा ये वाली थेरी है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्मोजोइक थेरी, या इसको हम पैनस्पर्मिया थेरी कहते हैं। अब इस थेरी में भी बहुत सारा दम भी है। थेरी ये है कि बस बाहर से कोई से तो भी प्लैनेट्स का कोई तो भी टुकड़ा आया, एस्टेरॉयड आया, मेटेरॉयड आया, बहुत दूर से, है ना, विक्टर, एरेनिया, सोयले, ये सब है। इट एक्सप्लेन्स द इटर्निटी ऑफ द लाइफ, इटर्निटी ऑफ लाइफ मीन्स Life was present since the origin of Earth. ऐसा कभी नहीं हुआ, origin of life कभी हुआ ही नहीं, never happened. Origin of life कभी हुआ ही नहीं, life पहले से था, वो universe में हर जगह पे है, ठीक है, the origin of Earth and will remain till Earth exists. जब तक Earth रहेगा तब तक life जो है वो होगी Earth के ऊपर। It also explains theory of the panspermia. Means the life present in each and every star, planet, satellite, हर जगह पे है, ठीक है, और वहीं से बेटा ये सब हमारे धरती के ऊपर भी आए हैं।
another spores of life continuously being transferred from one to another star, planet, satellite in the form of the spores through the meteoroids. अब इसी चक्कर में हम लोग सब लोग जो है ये प्लेनेट पे जाओ, वहां पे जाओ, वो जाओ, ये सब पैसे पैसा खर्च करके जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है, लाइफ हैड केम फ्रॉम अनदर स्टार और प्लेनेट ऑफ यूनिवर्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ स्पोर्स, इनको हम पेंजिन्स बोलते हैं, ठीक है, थ्रू द मेटियोरॉइड्स। तो मेटियोरॉइड के साथ में बैठ करके, उनके बॉडी के ऊपर बैठ करके वो आए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो अपने इस हिसाब से, अर्थ के हिसाब से बेटा वो एडजस्ट हुए और फिर डेवलप होते चले गए। तो लाइफ कभी अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुआ नहीं, वो कहीं से तो भी ट्रांसफर होके आया है। अब एक बात आपको देखो, नीट के क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेगी कि जो बायोजेनेसिस की थ्योरी है ना, ये कभी भी ओरिजिन के बारे में कुछ बात ही नहीं करती। किसी को समझ में आया? इट विल नॉट, इट विल नेवर टॉक अबाउट द ओरिजिन, इट विल टॉक अबाउट हाउ इट ट्रांसफर्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला या ओमनिस विमम एक्स ओवा। इसका मतलब है कि पहले कुछ तो है, पहले लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसी से नया लाइफ बनता है। मतलब पहला वाला लाइफ कहाँ से आया ये नहीं बताता, जो पहले आया था वो कहाँ से आया भाई, ये सब कुछ वो नहीं बताता, ठीक है। ये भी बायोजेनेसिस लॉ ओरिजिन के बारे में नहीं बताता, ये बता, इट विल से अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। आगे चलते, अब ये तो खतरनाक है भाई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें क्या है, है ना, फादर स्वेरेज सुपर नेचुरल पावर क्रिएटेड दिस लिविंग नेचर और डिवाइन क्रिएशन ऑफ, ये सब है, ठीक है। हम लोग बहुत पावरफुल है, ह्यूमन ही सबसे ग्रेट है, ये सब कुछ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, है ना, बाइबल यहाँ पे है। फर्स्ट डे हुआ, सेकंड डे ये हुआ, फिर थर्ड डे ऐसा हुआ, ठीक है। सो ये सब कुछ जो है, देखो कॉस्मोजोइक थ्योरी के बारे में यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, रिक्टर, ये दिख रहा है आपको, रिक्टर अरेनियस वाले, ठीक है। इवन फर्स्ट ह्यूमन फीमेल बॉर्न फ्रॉम द 12th रिब ऑफ द एटम वगैरह वगैरह, ये सब कहानी है। दूसरे भी रिलीजन है, जैसे ब्रह्मा 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 जी ने क्रिएट किया, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंस, देन ऑब्जेक्शन ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, हम लोग जानते हैं कि इट अपहोल्ड्स दैट लाइफ इज इम्यूटेबल एंड हैड नॉट चेंज्ड एवर सिंस इट्स ओरिजिन। अब उनके हिसाब से, मतलब जिस तरह से जो जो भी हमारी कहानियां हैं इनमें, माइथोलॉजिकल जितने भी रिलीजन है सब में यही है, है ना, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी एंड ये हुआ था, फिर एक और प्रलय आने वाला है, ये सब कुछ कहानी है। तो दैट इज वी बिलीव मेनी पीपल हैव द फेथ ऑन इट, ठीक है, दैट्स इट। इसीलिए तो बेटा ये डार्विन को बहुत ही इंपॉर्टेंस आया, क्योंकि इसने जो भी रिलीजियस फंडामेंटल जो सेट किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, उसको बेटा एक चैलेंज दिया। नाउ आता है बेटा थ्योरी ऑफ द कैटास्ट्रोफिज्म और सडन क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। कवियर का ये थ्योरी है सडन क्रिएशन, कैटास्ट्रोफी मतलब क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाना, अचानक वोल्केनिक इरप्शन हो जाना, वैसे। तो कवियर इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पैलेंटोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू हिम कैटाक्लिज्म, दैट इज ग्रेट डिस्ट्रक्शन और रिवोल्यूशन और कैटास्ट्रोफिज्म, डिजास्ट्रस इवेंट अकर्स अपॉन अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम which completely destroys all persisting living। मतलब वो ऐसा है कि बड़ा होते गया होते गया होते गया होते गया and then blast, फिर से वापस, फिर जीरो पे, फिर से इस तरह से वो कहते हैं डेवलपमेंट होता है, फिर से हम जीरो पे पहुंच जाते हैं। सो देन न्यू ऑर्गेनिज्म सडनली फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर बाय क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना फंडा बताया है अलग अलग, ठीक है ना। अब हमें बड़ा ध्यान से बेटा, अब हमें बकवास बातें बंद करनी पड़ेगी। अब हमें जो एक्चुअली एक हम लोग कहते हैं कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो हमें ये बिल्कुल क्रिटिकली पता है कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ब्लू व्हेल हो, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सबके बेसिक में बेटा केमिकल्स है, प्रोटीन्स है, डीएनए है, आरएनए है,
मॉलिक्यूल लेवल पे अगर आप जाओगे तो उसको और भी ब्रेक करोगे, मतलब उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करोगे तो आपको ऑर्गेनिक ही बट कंपाउंड मिलेंगे, और वो कंपाउंड्स को आप लोग ब्रेक करोगे तो आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसका सीधा हम लोग ये तर्क लगाते हैं कि यार अगर ऐसा है, ठीक है, तो शुरुआत भी ऐसी हुई होगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, मैक्रोमोलिक्यूल से फिर आगे 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 कहानी बढ़ चली गई। तो बस इसी चीज को हमें अब समझना है। ओपेरिन एंड हेल्डेन ये दो लोग हैं, ठीक है, उनकी नेचुरलिस्टिक थ्योरी है, मतलब नेचर जिस तरह से, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न थ्योरी। नाउ यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक लिखी गई अकॉर्डिंग टू द ओपेरियन एंड हेल्डेन, लाइफ ओरिजिनेटेड अबायोजेनेटिकली फर्स्ट, मतलब पहले कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है, मतलब पहले अबायोजेनेसिस ही हुआ, ठीक है, तो दैट इज लाइफ ओरिजिनेटेड अबायोजेनेटिकली फर्स्ट बट बायोजेनेटिकली एवर सिंस, वंस लाइफ बन गया तो फिर बाद में बायोजेनेसिस होता चला गया, ठीक है। सेकेंड ये बोलते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन थ्रू द फिजिको केमिकल प्रोसेसेस, फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वंडरवॉल्स फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये जो फिजिको केमिकल प्रोसेसेस है इनके थ्रू ही बेटा केमिकल इवोल्यूशन पहले होता चला गया, was the main theme and also called as a materialistic theory of Oparin and Holden, मतलब material है, चीजें आती हैं, collide होते हैं, compound होते हैं, trial and error होता है, सालों साल ये चलता रहा है ना, एक ही दिन में नहीं बना कुछ भी, ये interactions हुए, collisions हुए, चलता रहा, आज भी चल रहा है, ठीक है। First life originated as a single cell or in a oceanic water, जिसको हम salty water कहते हैं, उसमें सबसे पहली बार एक सिंगल सेल पैदा हुआ। अकॉर्डिंग टू द ओपेरिन एंड हेल्डेन लाइफ ओरिजिनेटेड इनटू 8 स्टेप्स और फेजेस। अभी हम लोग यूकैरियोटिक सेल तो बहुत ही डेवलप्ड कंडीशन मानेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मान सकते हैं, बहुत ही पहले के प्रोकैरियोटिक सेल, केमो ऑटोट्रॉफिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, है ना, ये सब जो थे वो पहले बने। तो पहला फेज क्या है? अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस आपको देखने को मिलते हैं 8 फेजेस, वन बाय वन देखेंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। नाउ यहाँ आते बच्चों, फर्स्ट फेज क्या है? एटॉमिक फेज। इसका क्या मतलब है एटॉमिक फेज का? ओनली एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वेर प्रेजेंट। अर्थ के ऊपर पहले यही था, इन अर्थ कोर हेवी मेटल थे, इन अर्थ क्रस्ट ये जो भी दिखे हैं आपके, इन एटमोस्फियर हाइड्रोजन हेलियम मोस्टली, है ना, ये सब कुछ बेटा है ना प्रेजेंट था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, ऑल दीज वेर प्रेजेंट इन द एटम, है ना, दैट इज इन द एटॉमिक मैनर, एलिमेंट फॉर्मेट में सारे अवेलेबल थे। तो ये है फर्स्ट फेज ऑन द अर्थ। उसके बाद आता है सेकंड फेज। अब यहाँ पे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फेज कहते हैं इसको हम लोग, एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक H2O वेपर्स, NH3 अमोनिया, ये बना, और वाटर एंड अमोनिया वेर प्रोबेबली द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। जो प्रिमिटिव अर्थ है उसके ऊपर सबसे पहले H2O और वाटर, है ना, H2O और अमोनिया, ये दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती है। हमारी NCERT में भी ये लिखा है H2 मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, 90% एंड मेक अर्ली एनवायरनमेंट हाईली रिएक्टिव, ठीक है। वैसे भी अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखोगे तो हीलियम और हाइड्रोजन ही बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो H2 most reactive 90% and make early environment highly reactive, इसीलिए बेटा जो पहला वाला रिएक्ट एटमोस्फियर था वो बहुत रिएक्टिव था,
और ज्यादा रिएक्टिव था, तो वहां पे रिएक्शंस होने की चांसेस बहुत थे। ना यहाँ पे आप देखो कि अगर हम H2O लिखे, अमोनिया लिखे, H2 लिखे, तो फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आया होगा। नाउ आपको तो मैंने बताया है कि अमाइनो एसिड के बारे में अगर हम लोग बात करते, तो यहाँ पे मैं अगर ये लिखता हूँ, है ना, CH, 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 ये CH4 है, मिथेन है। अब ये H को वैसे ही रखा, ये H को भी वैसे ही रखा, बट अगर मैंने यहाँ पे इस H को रिप्लेस किया, रिप्लेस विद द COO, मतलब जो CO2 अवेलेबल था उसको यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया विद NH2, ठीक है, तो ये बन गया ग्लाइसिन। दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो अवेलेबल बन सकता है, क्योंकि उस समय अमोनिया था, वाटर भी था, CO2 भी था, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल अवेलेबल थी, तो इसके वजह से इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन पा रहा, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत हाई है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन पाना विद द अल्ट्रावायलेट रेस, क्योंकि बिल्कुल आई रेट है, लाइटनिंग के प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक चीज हमें ये समझ में आनी चाहिए कि मीथेन, अमोनिया, H2, वाटर वेपर, ये इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस या कॉस्मिक रेज या लाइटनिंग और थंडरिंग, इनके प्रेजेंस में पहले सिंपल अमाइनो एसिड्स बने, सिंपल फैटी एसिड्स बने, सिंपल शुगर्स बने, और सिंपल नाइट्रोजनस बेसिस पहले बनते चले गए। अब ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड इट वॉज बिकम पॉसिबल टू ओरिजिनेट लाइफ, और इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। तो यहाँ पे बेटा हमें ये थोड़ा सा देखने को मिलता है कि सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हुआ, पहले लाइफ नहीं आया, अगर मतलब आप थर्ड फेज पे भी जाओगे, बट जस्ट दे आर केमिकल्स, दे डोंट हैव एनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको प्रीबायोटिक सूप कहते हैं, जो मैंने कहा हॉट डाइल्यूट सूप, जो कि हेल्डेन ने कहा था। हॉट डाइल्यूट मिक्सचर ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सी वाटर टर्म्ड एज अ प्रीबायोटिक सूप बाय द हेल्डेन, पर क्योंकि वो इतना हॉट था, उतना गर्म था, उतना रिएक्टिव था, इसीलिए उसमें ये सारे रिएक्शन बेटा आराम से हो पाए, नहीं तो कभी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि बातें एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात आप और भी समझ लो, यूनिवर्स का ओरिजिन या अर्थ का ओरिजिन हमेशा बिलियन ईयर्स में याद रखना, बिग बैंग, बिग बैंग, ठीक है, बी 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 बिलियन, मिलियन ईयर्स में नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है बिलियन मिलियन में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ आया है, 15-20 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखने वाला मुद्दा है। अभी आता है बेटा उरे एंड मिलर। मिलर एक शिष्य थे, ठीक है, इट वॉज स्टूडेंट ऑफ द उरे, मेड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी बाय इलेक्ट्रिकल स्पार्क चेंबर। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है यार, इसने बहुत ही बहुत जबरदस्त आंसर्स दिए। अब उस जो अरेंजमेंट है उसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये अरेंजमेंट, आप आराम से देख सकते हो। दिस ये डायग्राम हमारे NCERT में भी दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिखा है टू वैक्यूम पंप, ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ से आउटलेट आ रहा है, यहाँ से सब बाहर जो भी होगा वो जमा करेंगे हम लोग। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा कोल्ड वाटर को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, तो इस जगह को दिस थिंग इज कॉल्ड एज एक्चुअली द कंडेंसर, इसको हम लोग कंडेंसर कह रहे हैं, ठीक है। अदर देन दिस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिखाई देता है, जिसको ये जो आपको फ्लास्क दिखाई दे रहा है, इसमें गैसेस भरी पड़ी है, ठीक है, इसको हम लोग स्पार्क डिस्चार्ज कहते हैं, और स्पार्क डिस्चार्ज में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, और यहीं पे हम लोगों ने गैसेस को, है ना, पास होने दिया यहीं से, है ना, कि ये जो भी गैसेस यहाँ पे हमारे मेंशन है वो 2:2 रेशियो में, और वाटर वेपर्स तो डेफिनेटली बेटा यहीं पे, क्योंकि कोल्ड एंटर कर रहा है,
हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो वहां पे वाटर वेपर्स है, उसके थ्रू बेटा ये सारी चीजें हाई एनर्जी डिस्चार्ज के थ्रू ये सब पास हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि ये जो एरो है, इस मतलब जो भी सब्सटेंसेस हमने डाले हैं वो नीचे की तरफ उतरेंगे कंडेंसर। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुछ भी जा रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में आया, और अगर यहाँ तो ड्रॉपलेट्स आपको दिखाया जा रहा है, ये जो ड्रॉपलेट्स है इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन आपको कभी भी क्वेश्चन पहला अमीनो एसिड कौन से बना तो याद रखना है ग्लाइसिन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एलेनिन एसिड, ग्लूटामिक एसिड वैसे बना नहीं था, मतलब आपको नीट में एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये उरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन सा अमीनो एसिड नहीं बना था, तो आंसर लिखना बेटा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, आंसर क्या लिखना है? ग्लूटामिक एसिड। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट है ना उसको बड़ा ध्यान से हमें याद रखना है। एनसीईआरटी कहती है कि जो उरे मिलर का एक्सपेरिमेंट है उसमें सिर्फ ग्लाइसिन ही बना था, बाकी के जो दूसरे लोगों ने यही जब सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किए तब बेटा उनको एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे अमीनो एसिड बनते हुए दिखाई दिए। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर, है ना, नॉर्मल पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जैसे कि यूरिया भी बनाया, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारी चीजें बनी। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली फॉर्म, जैसे मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली भेज रहे हैं, वाटर वेपर भी है, यहाँ से कंपोनेंट आ रहे हैं कंडेंस होकर के। ठीक है, आगे बेटा, और यही चीजें जो भी है यहाँ से अपने आप ने आइसोलेट कर लिया, फिर से वापस बेटा उसको सेंड कर रहे हो, बॉइलिंग वाटर से भेज रहे हो, बॉइलिंग वाटर में आएगा तो वाटर वेपर्स बनेंगे और वाटर वेपर्स फिर से ऊपर उठा करके लेके जाएंगे, फिर से डिस्चार्ज में बेटा सारी गैसेस को पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे CH4 है, अमोनिया है, H2 है, इन रेशियो अब 2:1:2, अब ये रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस क्लियर आपको इतना ही समझना है कि पूरे और मिलर ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा बेटा सिमुलेशन डेवलप किया, ऐसा एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट डेवलप किया जिससे उस समय अर्थ के ऊपर जिस तरह का भी कंडीशन है वो उन्होंने, है ना, एक तरह से बना ही दिया, और उसमें क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं ये भी उन्होंने देखा। अगर बेटा ये इतने कम टेम्परेचर में, कम इसमें भी इतना कुछ बन सकता है तो उस वक्त तो यार जबरदस्त हॉट डाइल्यूट सूप था, उसमें ये सब कुछ होना तो बिल्कुल पॉसिबल था ही। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ द मेटियोराइड्स रिवील सिमिलर रिएक्शंस। अब अगर आप मेटियोराइड्स को देखोगे अकरिंग एल्सवेयर द स्पेस, मतलब अगर आप मेटियोराइड्स को कलेक्ट करते हो जो कि बाहर से आते हैं, तो मैंने कहा ना ये जो पैनस्पर्मिया थ्योरी है या पैनजेनेसिस की थ्योरी, मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम और केम फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स और यूनिवर्स के किसी दूसरे जगह से आए हैं, इसका स्ट्रॉन्ग जो ये प्रूफ ये है कि अगर आप मेटियोराइड की स्टडी करोगे तो उसमें भी आपको ग्लाइसिन, एलेनिन, यूरिया, ये सब कुछ देखने को मिलता है यार। ठीक है, सो दैट पैनस्पर्मिया थ्योरी को ज्यादा लोग भी, कुछ लोग बिलीव करते हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, पूछ लो भाई। नो सर। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ छोटे छोटे यूनिट मॉलिक्यूल्स बने, अमीनो एसिड्स बने, नाइट्रोजनस बेस बने, सिंपल शुगर बने। अब आता है फोर्थ फेज में, यही बात। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटोबायोट। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये बड़ी ही अजीब सी है, या प्रोटोसेल्स और प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर हम लोग इनको कहते हैं, एंड ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अब आप एक समझो, अगर मैं यहाँ पे बच्चों एक लिपिड का ऐसा लेयर बना दूं, ये जो लिपिड का लेयर बना है
और इसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो, प्रोटीन जमा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यार इसको तो इंडिविजुअलिटी है। अगर इसको थोड़ा प्रेशर आ गया इधर से एयर प्रेशर आया, कुछ भी आया, तो बेटा ये लिपिड है, लिपिड है तो दब जाएगा यार, दब करके दो टुकड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हो किस तरह से रिप्रोडक्शन हुआ होगा, हेलो बडिंग हुई होगी, है ना। एक लिपिड का लेयर बनाया और उस लिपिड लेयर के ऊपर बेटा दोनों तरफ से पिंचिंग हुआ, जो भी हुआ तो बेटा वो दब गया, दब के उसके छोटे छोटे दो सेल्स और सेल जैसा बन गया। मतलब ये जो बोलते हैं ना, इनको हम लोग प्रोटोबायोंट कहते हैं, प्रोटोबायोंट। अब ये प्रोटोबायोंट अपने अंदर के मैटर को ले सकते थे, मैटर को बाहर भेज सकते थे, ठीक है। इनको बाउंड्रीज थी जिससे ये आइसोलेट हो सके फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। इनमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ चुकी थी, जस्ट बडिंग है ना, जस्ट बडिंग, ठीक है, बडिंग जैसे चीज हो सकता है कि अपनी कॉपीज नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। और इनके अंदर छोटे छोटे बेटा रिएक्शन भी होते थे, है ना, कैटलिस्ट जो प्रेजेंट होने की वजह से कैटलिज्म होता था। सो इसके कुछ नाम है, एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पियर और दूसरा नाम है बेटा कोएसरवेक्स, ऐसे दो नाम हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड है बेटा, है ना, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो माइक्रोस्पियर ये नाम दे रहा है, यहाँ पे नाम है कोएसरवेक्स, कोएसरवेक्स एज वेल एज वर्ड द माइक्रोस्पियर। अब यार माइक्रोस्पियर क्या है, कोएसरवेक्स क्या है, इनमें एक्चुअली डिफरेंस है। ये जो टर्म है कोएसरवेट इज गिवन बाय ओपेरिन, ओपेरिन का ये कंसेप्ट है, एंड मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। अब ये जो बबल बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें लिपिड नहीं है। अगर ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ अगर वो सर्कल है, छोटा सा सर्कल है, तो उसे हम कोएसरवेट कहते हैं, ठीक है। अगर वो लिपिड वाला है, लिपिड से बना हुआ है, तब ये सिडनी फॉक्स वाला कंसेप्ट है, सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसको हम माइक्रोस्पियर कहते हैं। याद रखना बेटा, एक है प्रोटीन का, एक है लिपिड का। प्रोटीन वाला किसका है रे, ओपेरिन का, कोएसरवेट्स कहते हैं इसको। दोनों ही लिविंग नहीं है, लिविंगनेस नहीं है, ठीक है, वो प्रोटोबायोंट है, मतलब लिविंग बनने से पहले की एक है ना स्टेज। क्लियर है यस सर। ओके, नाउ वंस द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग कोएसरवेट्स या माइक्रोस्पियर कहते हैं, फॉर्म, जैसे वो बन जाते हैं, दे एक्यूमुलेटेड इन वाटर बिकॉज देयर डिग्रेडेशन वाज एक्सट्रीमली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स और कैटलिस्ट। तो क्योंकि उस समय हॉट डाइल्यूट सूप वगैरह जो भी था, उस समय बेटा एंजाइम्स नहीं थे ज्यादा, तो जब भी ये प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट के मासेस बने या लिपिड के मासेस बने, छोटे छोटे वेसिकल्स बने, उनको डाइजेस्ट करने में बेटा बड़ा समय हुआ करता था, समय लगता था, डाइजेस्ट होते नहीं थे क्योंकि एंजाइम ही नहीं था यार उनको डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है। तो इनके स्पेशलिटी क्या है, टू इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोटोबायोंट्स क्या है, पहला दे हैड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स from the surrounding and can maintain their internal environment but can't reproduce. अब यहाँ reproduce का मतलब है कि वो सही मायने में अपनी real copies नहीं बना सकते, वो टूट सकते थे, दो हिस्सों में टूट सकते थे, breakdown, they can break down. And they are membraneless or have no lipid covering. और उनके ऊपर ऐसा कोई phospholipid का layer नहीं था coacervates के ऊपर, coacervates के बारे में बात करते हैं। माइक्रोस्पियर्स ऑन अदर हैंड दे हैड एक्चुअली द लिपिड कवर, उनका बडिंग भी होता था और बाकी सारे कैरेक्टर इन दोनों के सेम है। आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर है। हेलो, प्रोटोबायोंट लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो लाइफ नहीं है, बस वो लाइफ जैसे है पहले बन। फिर आता बेटा फिफ्थ फेज, ओरिजिन ऑफ जीन्स, वायरसेस, ऑटो कैटालिटिक सिस्टम्स means in a primordial life 3.7 billion years ago in a pre-cambrian era. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इनके पास, इनको हम लोग eobiont बोलते हैं, यहाँ genes आए, viruses का है ना, या autokinetic system आया,
आरएनए रेप्लिकेटर एज वेल एज एन एंजाइम, उस वक्त आरएनए वर्ल्ड जो था वो हैवी था। आरएनए जेनेटिक मटेरियल जैसा भी काम कर रहा है, आरएनए खुद बेटा है ना इनहेरिटेंस वाला काम कर रहा है, आरएनए खुद है एंजाइम भी काम कर रहा है, ये सब उस वक्त चल रहा था। तो फिफ्थ फेज उसको ईयोबायोट कहते हैं, 3.7 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है नाउ अब आता है बेटा सबसे पहला, अब ये क्वेश्चन आता है आपको कि सबसे पहला सेल आपको क्या लगता है कब आया था, तो आंसर आता है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ आया और तब से लेकर बेटा 3 बिलियन ईयर्स एगो पहला एक्चुअली सेल बना। मतलब बीच में जो 1.5 बिलियन ईयर्स है बेटा उसमें ये सब ड्रामा चल रहा है, एटम से ये बनाओ ये उसे ये बनाओ, ये सब जो ड्रामा है वो 1.5 बिलियन ईयर्स तक हुआ। आपने इतना ज्यादा समय हो जाता। अब इनको हम लोग बोलते क्या है, ये अनएरोबिक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो थे दे वेर केमो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दैट यूज्ड ऑर्गेनिक कंटेंट्स ऑफ द प्रिमर्डियल सूप। तो सबसे पहले आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेलुलर अनएरोबिक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक हेटरोट्रॉपिक। उसके बाद में आए केमो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो भी है ना, केमो हेटरोट्रॉपिक है, वो सारे केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। देयर वेयर मेम्ब्रेन बाउंड प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ड्रॉप इन टेम्परेचर स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द ओशियनिक वाटर बॉडीज। अब देखो हमें मतलब आगे मैं बताऊंगा कि इसके बाद एक्चुअली क्या आया, पहले कौन कौन आया क्या आया, सब लोग हम लोग एक पर्टिकुलर फ्लो में देखेंगे। अभी तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो अर्थ के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ही नहीं था। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेकर लेना या तो है ना ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। तो पहले जब तक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए नहीं तब तक फ्री ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए बहुत पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होने का चांस है ही नहीं। जो पुराना एकदम पुराना समय है, जो भी पहला सेल आया होगा वो कभी भी ऑटोट्रॉपिक होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिजम्स आए वो सारे एनएरोबिक थे, केमो हेटरोट्रॉपिक थे। ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। नाउ यहां पे हम लोग बात करते बेटा ड्रॉप इन टेम्परेचर स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द ओशियनिक वाटर बॉडीज। फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं ऑफ बैक्टीरियम, इयो बैक्टीरियम आइसोलेटम, ये बैक्टीरियम फाउंड एंड अप्रोक्स एज वॉज 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इयो बैक्टीरियम आइसोलेटम, ठीक है, उसकी एज लगभग मानी जाती है। अब यहां पे आता है एरोबिक जो है बैक्टीरिया जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन स्टार्टेड अबाउट 2.7 मिलियन ईयर्स एगो, सॉरी 2.7 मिलियन ईयर्स एगो। तो आपको देखने को मिलता है कि 3 to 3.5, ये हम लोग एग्जैक्ट नहीं है इसके बारे में। ठीक है, मतलब ये जो भी लिखते ना 3.5 मिलियन, ये भी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के मानो तो आपको पहला सेल 3 बिलियन ईयर्स एगो याद रखना है। ठीक है, इफ यू ओनली कंसीडर दैट है ना, एनसीईआरटी के मानो तो आपको लिखना है 3 बिलियन ईयर्स एगो बस। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर आपको ये। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्टेड अबाउट 2.7 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो। ये क्या बात हुई बेटा, आप नोटिस करो ये बिलियन ईयर्स एगो यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे मिलियन ईयर्स एगो लिख, क्या बात हुई। तो मैं इसको थोड़े है ना बाद में आपको क्लियर करूंगा ये क्या बोल रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ लाइफ।
फर्स्ट केमो ऑटोट्रॉप, सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉप नहीं आए, पहले केमो ऑटोट्रॉप का ओरिजिन हुआ. एंड द फोटो ऑटोट्रॉप ओरिजिनेटेड अबाउट 3.2 billion years ago. First chemo autotroph and then the photoautotrophs originated about 3.2 billion years ago. Because of the photoautotrophic organism, phir aaya beta oxygen evolve hona shuru hua. So that the reducing environment gradually changes to into the oxidizing one. Now ozone formed and accumulated at the height of the 11 to 16 kilometer from poles. तो ओजोन लेयर बनना शुरू हुआ. जब से ओजोन लेयर बना तब से अल्ट्रावायलेट रेज आना बंद हो गए. नहीं तो आप इमेजिन करो कि आज से 3 billion years पहले बेटा अर्थ के ऊपर डायरेक्टली यूवी रेज आते थे, उनको रोकने वाला कोई चीज होती नहीं थी, कोई लेयर नहीं था. CH4 एंड NH3 डिसअपीयर्ड बिकॉज दे रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड N2. बेटा मिथेन जो गैसेस थी, अमोनिया जो था बेटा वो बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब डिप्लीट होता जा रहा है. अब यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा फॉसिल्स के बारे, फॉसिल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, दैट इज व्हाट द आर्चिस स्पिरोइड एंड बार्बिनोटोइस. ये जो बैक्टीरिया है क्या है, तो ये जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है बच्चों, इस बैक्टीरिया को अगर आप नोटिस करोगे है ना, आर्चिस स्पेरॉइड बार्बेंटोइसिस, ठीक है, आर्चिस स्पेरॉइड बार्बेंटोइसिस डिस्कवर्ड फ्रॉम द कैसीहो रीजन ऑफ द ओडिशा, हमारा ये ओडिशा वेयर 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये साइनो बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया, ठीक है. मतलब अगर ये जो बैक्टीरिया के फॉसिल्स हम लोगों को मिले हैं उनको अगर आप प्रॉपरली रेंज करोगे तो आपको 3 billion year old, मतलब 3 billion years के पहले ही वो थे, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द आर हिस्ट्री, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस है जो हमें पता चलता है. नाउ आते बेटा ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. अब जैसे कि आप जानते हो यूकैरियोटिक सेल्स फॉर्म अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि ये सेल बहुत बड़ा है ना, due to the mutation in the prokaryotes. Prokaryotes mein kuch changes hue jiske wajah se beta eukaryotic cell develop hue. So some scientists explain the symbiotic association of different types of the prokaryotes give rise to eukaryotes. To ye beta ye concept maine aapko cell wala jo chapter ka revision karaya tha usme bhi bataya tha, if you remember hai na, endosymbiotic theory. Maine kaha ki mitochondria और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ही बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को बिल्कुल शो करते हैं, और इसीलिए वो एक्चुअली अपने पहले के जो भी एंसेस्टर्स थे उनके फॉर्मेट में वो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ही थे, तो बाद में वो एक साथ मिलजुल के रहने लगे, ठीक है. तो इसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हम लोग कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्या था कि अर्थ के ऊपर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बना, व्हाई नॉट ऑन द जुपिटर, व्हाई नॉट ऑन द सैटर्न, व्हाई नॉट ऑन द यूरेनस एंड नेपच्यून, व्हाई नॉट. देखो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, आज अगर आपने तय कर लिया कि आपको जुपिटर के ऊपर जाके रहने का है तो आप वहां पे खड़े ही नहीं हो सकते, इतना बेटा मतलब जैसे सैटर्न में जाओगे तो पूरा लिक्विफाइड एटमॉस्फेयर है वहां पे, आप यू कैन नॉट स्टैंड, हेलो, है ना, जैसे मोल्टन लावा वगैरह जो होता है वेस्ट, उस तरह से यू कैन नॉट इवन स्टैंड ऑन देयर, है ना. तो ये जिस तरह से कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे अर्थ के ऊपर हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर डेवलप हुआ, ये सारी चीजें अर्थ के ऊपर हुई है, ठीक है. तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, why it had become possible to originate life abiogenetically on primitive earth, earth ke upar life kaise aa sakti hai bhai, kya karan ho sakta hai. Number 1, primitive environment was reducing, iska matlab aaj earth ke upar life ka origin possible nahi hai. Today
द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. हाँ, इवोल्यूशन हो रहा है, जो है वो डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे, बट नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता एकदम, है ना. नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से लिविंग सब्सटेंस नहीं क्रिएट हो सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं क्रिएट हो सकते. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट. दूसरा है प्रॉपर एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर फोर्सिंग केमिकल रिएक्शन फॉर सिंपल टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स, वेयर एग्जांपल यूवी रेज, अर्थ, है ना. तो अर्थ में जो हॉट, जो एक्चुअली प्रॉपर टेम्परेचर अर्थ के ऊपर मेंटेन हुआ उसके खुद के स्पिन के वजह से, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है उसके वजह से, ये सारी चीजों के वजह से जो है ना. देखो आज भी एंटायर पॉपुलेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर के बहुत जल्दी जल्दी मतलब मान सकते हैं कि ओनली 10 to 15 minutes में बेटा पूरा लाइफ खत्म हो सकता है. बस अगर सोलर सिस्टम जो है उससे जो कोरोनास होते हैं, जो हीट वेव निकलती है, अगर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म निकला कभी जिसको सन भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो बेटा पूरा लाइफ अर्थ के ऊपर का खत्म हो जाएगा उसी समय. नो ओजोन शील्ड वॉज फॉर्म सो दैट यूवी रेज कुड, अभी देखो उस समय ओजोन लेयर था नहीं तो वो तो बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं था इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो हाई एनर्जी वाले जो यूवी रेज है बेटा वो अर्थ के ऊपर आते थे और उसकी वजह से रिएक्शन जो है होने के लिए हाई एनर्जी मिलती थी, मिल पाती थी, म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी हो पाते थे और इसी की वजह से केमिकल रिएक्शन भी हो पाए. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिनके वजह से अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते बेटा, है ना, बायो इवोल्यूशन की. मतलब हमने सादी सादी स्टेप के बारे में बात की पहले, इनऑर्गेनिक एटम, फिर मॉलिक्यूल, जो भी हम लोग जानते हैं उसको हम लोगों ने सीक्वेंसली अरेंज किया. यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बच्चों. कोई डाउट है किसी को? ओके, दे थोड़ा ध्यान से. फोर्थ फेज में क्या है भाई? फोर्थ फेज ये देखो, फोर्थ फेज देखो, इवोल्यूशन का क्वेश्चन हम लोग रिवीजन क्लास में लेने वाले हैं. उसमें है ना कोएसर्वेट्स और माइक्रोस्पियर से लेकर के क्वेश्चन आएगा, है ना. नीट में पहले पूछा गया था, कोएसर्वेट्स और माइक्रोस्पियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था. उस समय हम लोग बहुत डिटेल में दोनों के डिफरेंसेस में बताऊंगा, तीन तीन चार चार डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में, कोएसर्वेट्स और माइक्रोस्पियर के बीच में. ठीक है, एक डिफरेंस आज तो जान लो पहला, वो क्या है? कोएसर्वेट्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड माइक्रोस्पियर्स आर मेड अप ऑफ द लिक्विड वेसिकल्स. ठीक है, ये याद रखो पहला. ठीक है, देखो इवोल्यूशन, ई मतलब आउट, वॉल्वर मतलब टू रोल और अनरोलिंग और अनफोल्डिंग टू रिवील समथिंग. ठीक है, रिवील कर, इसी से वर्ड बना बेटा इवोल्यूशन. इसका मतलब है डिसेंट विद चेंज, है ना, और डिसेंट इज रिसेंट विद सम मॉडिफिकेशंस. ठीक है, सो व्हाटएवर मे बी द थिंग, बहुत सारे इसके डेफिनेशंस है. तो हम लोग बोलते हैं डिसेंट विद चेंज, धीरे 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 है ना चेंजेस होते चले गए हैं. बायो इवोल्यूशन हम लोग जिसमें दो पार्ट है, एक तो है ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा है राइज ऑफ द वेराइट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब डाइवर्सिटी बढ़ती चले जा रहा है, जैसे कि इनिशियल लेवल पे ये चैप्टर जब शुरू हुआ तभी मैंने बोला. ठीक है, यहाँ पे आते हैं हिस्ट्री ऑफ बायो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स की. इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है. एनैक्सिमेंडर, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अनाउंस दैट ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द फिश. ये देखो, ठीक है, ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द फिश. अगर आप किसी ने प्रॉपरली अगर हिंदू माइथोलॉजिस्ट को फॉलो किया होगा तो विष्णु के बहुत सारे अवतार, दशा अवतार बताए जाते हैं. ठीक है, एक आता है विष्णु पुराण करके, अगर आप उसको पढ़ोगे विष्णु पुराण, तो आपको लगेगा कि आप डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे हो.
मतलब सेम टू सेम, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, इस तरह से मतलब है ना, ओरिजिन जो होते हैं वो तो है ना, एक एक स्टेज को बताया कि इसके बाद ये अवतार आया, इसके बाद ये अवतार आया, इसके बाद ये अवतार आया. यू विल जस्ट फोकस पे रखना कि आप इवोल्यूशन जानते हो. यू विल बी है ना शॉक, अरे यार ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है. दैट विल हैपन विद यू. बट ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे एनैक्सिमेटर. देन द सेकेंड वन इज हियर Empedocles. He is the father of evolutionary ideas, and according to him, incomplete, less developed, and eroded species are replaced by the developed and complete species. मतलब जो कॉन्सेप्ट आप डार्विन के बारे में पढ़ते हो ना, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही तो बोल रहा है. फिर आता है एरिस्टोटल. उन्होंने कहा इन नेचर लेडर लाइक ऑर्डर्स और है ना ग्रेडेशन इज सीन. छोटा सा बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है. फिर आता है बेटा मोनोफाइलेंटिक जेनियोलॉजी. ऑल वेरियस स्पीशीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल एंड कॉमन एंसेस्टर, जो कि हमारा मेन थीम है इवोल्यूशन का. ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है, सबका कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि सब में वही केमिकल्स है, वही प्रकार के, तो वो डेफिनेटली किसी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिन हुआ. So in other words, all species are closely or farthely related with one another. सब एक दूसरे के दूर के या पास के रिश्तेदार है. ठीक है, yes, ऐसे ही मैं कहना है इसका. Now reason of the concept of evolution. Due to the naturalistic theory of origin of life, monophyletic genealogy, common ancestry, and due to changing in environment conditions and specialization in nature, function and composition of स्पीसीज एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो हम लोग इवोल्यूशन को मानते इसीलिए है क्योंकि हम लोग ओरिजिन ऑफ जो है ना थ्योरी जो है नेचुरलिस्टिक थ्योरी को हमने जो कि केमिकल वाला है ना वो भी चीज हम लोग समझ चुके हैं. मोनोफाइलोजेनेटिक जेनियोलॉजी मतलब कि एक कॉमन एंसेस्टर सबका होना चाहिए क्योंकि केमिकली हम सब लोग एक जैसे हैं, ये भी मानते हैं. और ये जो डाइवर्सिटी हमें आज देखने को मिलती है, ये डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये सब कुछ जो है बेटा डेफिनेटली रिलेटेड है पर्टिकुलर प्लेसेस से. मतलब ये हैबिटेट है, ये जियोलॉजिकल जगह है, उसके हिसाब से. जैसे कैमल, कैमल आपको रेगिस्तान में ही मिलेगा भाई, डेजर्ट में मिलेगा, वहां पे पोलर बेयर नहीं मिलता. ये सब नो, व्हाई नॉट? अब हम लोग ये मानते कि यार ये तो डायरेक्ट एविडेंस दिख रहा है क्योंकि इस जगह के हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म या तो तैयार हुआ है, ठीक है, या इवॉल्व हुआ है. ठीक है, तो ये सब कुछ अगर हम मानते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो क्या क्या एविडेंस है भाई इवोल्यूशन के, हम क्यों माने इवोल्यूशन हुआ, जो बोल रहा है ओपेरिन हेल्डन, जो ऑर्गेनिक जो थ्योरी है ना केमिकल वाली, वो हुआ है, ये कैसे मान ले हम, हाउ टू बिलीव इट? तो इसीलिए बहुत सारे एविडेंस है बेटा. एन ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू, एक पहला तो उसको देखो कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? Connecting link. ठीक है, connecting. An organism having characteristic, जैसे Archaeopteryx है, एक organism में दो अलग अलग जो भी group है उनके बेटा common characteristics उसमें देखने को मिलते हैं. These connective links play an important role in systematic and stabilizing monophyletic evolutionary line. तो हम लोग lines set करते चले जाते हैं, phylogenetic tree बनाते चले जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात करते हो, जो लिविंग है आज भी जिंदा है, तो ये है यूग्लेना. आप यूग्लेना को देख सकते हो यार, उसमें है ना प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस करने की भी एबिलिटी है, और एनिमल जैसे बेटा है ना जो भी है पास है, तो ऑब्वियसली बेटा इट इज इन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना. दूसरा यहाँ पे लिविंग देखो देखने को मिलता है ना प्रोटेरोस्पोंजिया. अब प्रोटेरोस्पोंजिया क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा. ये यूनिसेलुलर और कॉलोनियल प्रोटोजोआ, और इसका स्ट्रक्चर इज सेम एज द कॉलर सेल्स ऑफ द कोनोसाइट्स ऑफ द स्पॉन्ज. तो ये स्पोंजिया और प्रोटोजोआ, इन दोनों के बीच में बेटा एक है ना लिंक आपको देखने को मिलता है. ठीक है, क्योंकि आपको तो जानते हो प्रोटोजोआ के बाद में ही मेटाजोआ शुरू होता है एनिमल किंगडम में. प्रोटोजोआ के बाद में ही मेटाजोआ शुरुआत होता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो नियोपेलिना.
bacteria are living fossil, right? ये है बेटा बिटवीन द एनेलिडा एंड मोलुस्का, ठीक है, इन दोनों में वो कैरेक्टर है, दोनों का ही कैरेक्टर है एनेलिडा और मोलुस्का के। ये है पेरिपेटस, अब ये दो बार नीट में पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर्स में पेरिपेटस, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, इट इज एन कनेक्शन बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इनके बीच में ये कनेक्शन है। इसके पास नेफ्रिडिया है एज एक्सिडरी ऑर्गन एंड ये कैटरपिलर लाइक होता है या सेगमेंटेड होता है ना, सेगमेंटेशन है, आर्थ्रोपोडा जैसा सेगमेंटेशन है और एनेलिडा जैसा एक्सिडरी स्ट्रक्चर है नेफ्रिडिया। तो ये है बेटा पेरिपेटस, लिविंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग कनेक्टिव लिंक्स, नॉट डेड। फिर उसके बाद आता है बेटा प्रोटोथेरिया, ये भी एक बार पूछा गया है। These are the egg-laying mammals. अब ये egg-laying mammals है प्रोटोथेरिया and also called as a monotremata. अब ये proto मतलब primitive, theria means nipple and mono means single. So ये जो trema है मतलब opening for all purpose means of urine, fecal, germinal matter, इसको हम cloaca कहते हैं, birds में भी होता है cloaca, ठीक है, सबके लिए एक ही opening होता है। तो ये है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक, क्योंकि इसके पास शेल्ड एग्स वो ले करता है, मैमल्स कभी शेल्ड एग्स ले नहीं करते, बट इट हैज द बॉडी कवर्ड विद द हेयर्स एंड प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो प्रोटोथेरिया ये जो है बेटा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, बट ये सारे लिविंग फॉसिल्स नहीं है। ऐसे ही बेटा हमें और फॉसिल देखने को मिलते हैं, अब फॉसिल देखने को मिलते हैं मतलब वो खत्म हो गए, बट दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस टू ग्रुप्स, ठीक है। अभी जैसे सबसे पहला ये आपने देखा होगा इसके बारे में, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड जैसा रेप्टाइल, बर्ड जैसा रेप्टाइल, डायनासोर की कोई मूवी देखोगे तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई देता है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्की मीन्स प्रिमिटिव, टेरिक्स मीन्स विंग, है ना। सो यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, लिथोग्राफिया फाउंड इन द रॉक ऑफ द जुरासिक पीरियड इन जर्मनी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप इसको देख करके 100% पूरा उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हो, इतना प्रॉपरली प्रिजर्व्ड बेटा ये इसका फॉसिल है। डेफिनेटली दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स के कुछ कैरेक्टर है जैसे कि लॉन्ग टेल विद द मेनी वर्टिब्री, बीक विद द टीथ, फोर लिम्स, और बर्ड्स के जैसे जैसे कि बीक है या विंग्स विद द क्लॉज, इसके बीक है विद द टीथ मतलब अंदर दांत भी है, ठीक है, मतलब अजीब ही आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ उसका आता है बेटा यहाँ पे सिमोरिया, सिमोरिया क्या है, it is a missing link or fossil form and was present in the permian period also called as the sturm reptile, theek hai। to ye reptile aur ye kiske beech mein connect karna hai, it's connecting between the amphibia and reptilia in a simuria। uske baad mein aata hai ichthyostegia, naam se samajh mein aata hai fish ke sath related hai, fish aur amphibia ke beech ka ye connecting link hai। फिर आता है बेटा साइनोग्नैथस, साइनोग्नैथस इज आल्सो कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, ना लाइकेनोपस, बैसिलोसॉरस, बहुत सारे हैं बच्चों। आपको याद रखना है ये वाला, अगर आपको याद रखना है, और ये वाला आर्कियोप्टेरिक्स एज वेल एज द इक्थियोस्टेजिया, ठीक है। बाकी ऊपर मैंने बता दिए, आपको पता होना चाहिए प्रोटोथेरिया के बारे में और पेरिपेटस के बारे में 100%, ठीक है, पेरिपेटस एंड प्रोटोथेरिया। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि वो कौन से दो ग्रुप्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखो लाइकेनोपस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये आप देख सकते हो, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल मैमल्स के बीच का है बैसिलोसॉरस, ठीक है। अब ये फॉसिल वेल, वेल जैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हो विद द हाइंड लिम्स एंड इट इज कनेक्टिव लिंक, तो इसका हाइंड लिम भी प्रेजेंट है वेल जैसा भी। सो है ना, ये सारे बेटा एविडेंसेस है कनेक्टिंग लिंक वाले एविडेंसेस।
उसके बाद में जो एविडेंस आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है बेटा फ्रॉम फॉसिल्स। तो फॉसिल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। अब चलो हम लोग बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल क्या है? एक्चुअली दे आर द इम्प्रेशंस ऑफ द बॉडी और फुटप्रिंट। अब किसी के बोन्स बच गए हैं, किसी का एंटायर पूरा का पूरा बॉडी कवर हो गया है, ठीक है, वो रिमेनेंट जो भी हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम लास्ट जितने भी ईयर्स होंगे, हमें जितने भी लाइफ ओरिजिनेट हुआ और डिस्ट्रॉय हुआ, जिनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हुई, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं एक डायनासोर है, वो दौड़ रहा है और अचानक से बेटा वोल्केनिक इरप्शन हुआ। अब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो सारा मैग्मा उसके ऊपर गिर गया, प्लाज्मा गिरा और वहीं के वहीं बेटा ढेर हो गया, डेथ हो गई। अब वो उस प्लाज्मा के अंदर फंसा रहा और कुछ दिनों बाद में वो जो मैग्मा है वो कूल डाउन हुआ और कूल डाउन होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर एक पूरे चट्टान में पत्थर में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये बहुत ही हजारों सालों पहले की कहानी है, ठीक है। कोई इंसान गए, उन्होंने उस पत्थर को फोड़ने की कोशिश की और पता चला यार इसके अंदर तो पूरा का पूरा इंटैक्ट स्केलेटन है एक डायनासोर का। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों हमें ये नोटिस करने को मिलता है कि फॉसिल्स बनने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे तरीके, ठीक है। बट इनकी जो स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं पैलियंटोलॉजी। स्टडी है फॉसिल्स की उसे हम लोग कहते हैं बच्चों पैलियंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज द पैलियंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी जो है ना, ये है लियोनार्डो द विंसी। इसका भी इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। ही वाज द मैन, क्या बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग इसके पास एबिलिटी हो, है ना, ये मल्टीटास्कर बंदा था यार लियोनार्डो द विंसी, ठीक है। सो फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पैलियंटोलॉजी जी कैवियर है, जो कि कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी वाला बंदा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इंडियन भी है बीरबल साहनी करके, बीरबल साहनी, उनको हम लोग फादर ऑफ द इंडियन पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सो बहुत सारे बेटा सेडिमेंटरी रॉक, पोलर स्नो, रेजिन्स ऑफ प्लांट्स, हर जगह पे ये जो है बेटा आपको अलग अलग प्रकार के फॉसिल देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब ये डायग्राम से पूरे फॉसिल्स, ये देखो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेटा बहुत सारे फॉसिल्स है, कैसे कैसे होते हैं, जैसे देखो अनअल्टर्ड और प्रिजर्व फॉसिल्स, कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बरीड इन अ पोलर स्नो और द रेजिन ऑफ द अंबर। अब जैसे कि मैंने कल परसों भी बात की थी शायद मैमोथ वाली, मैमोथ को हम लोग फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आइस है ना उसके अंदर जो कोई ऑर्गेनिज्म दबा है पड़ा है तो बेटा वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती नहीं है क्योंकि इतने ठंड में नहीं हो पाती, है ना। तो इसके वजह से जो भी हजारों सालों से जो ऑर्गेनिज्म है वो तो उसमें दबे पड़े रहे और बिल्कुल सड़े नहीं, वैसे के वैसे रहे, वैसे एक्सैक्ट प्रिजर्व बेटा, एंटायर होल बॉडी प्रिजर्व, ठीक है, अनअल्टर्ड और प्रिजर्व फॉसिल जिसको हम लोग कहते हैं। स्नो में ये पॉसिबल है, लार्ज बॉडी साइज एनिमल जो है आपको स्नो में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। The fossil of the elephant-like mammal, जैसे कि mammoth, was found and average calculated age was 25,000 years. है ना? 25,000 years, 25,000 साल पहले। अगर आपको याद हो तो मैंने होमो इरेक्टस के बारे में बताया कि वो 30,000 साल पहले अर्थ के ऊपर था, है ना, वो थे लोग, है कि नहीं। रेजिन्स जो है बहुत छोटे छोटे रेजिन जो प्लांट्स के होते हैं, स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, मतलब अगर आपने डायनासोर वाली मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क फर्स्ट पार्ट, तो उसमें है ना रेजिन में ही बेटा मॉस्किटो को ट्रैप है ना, है पुराना वाला एकदम, है ना, वहां से बेटा उसको निकालते हो मॉस्किटो को, उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं ब्लड में से, उसके पेट में से, और फिर उसे डायनासोर बनवा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी सोचा जा सकता है, बट
ये है जिसमें ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो जाएगा जैसे कि वैसे जब मर गया था बिल्कुल वैसे के वैसे हमको मिलेगा। दूसरा आता है बेटा पेट्रीफाइड फॉसिल, ओनली हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स जैसे कि टीथ बोन शेल और मोलस्क इज अ स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स प्रेजेंट बिटवीन लेयर्स ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो आप जितना जमीन को अंदर खोदते हुए चले जाओगे तो हर साल बेटा नया सॉइल का लेयर जमा होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, उस स्ट्रेटा में है ना जो भी इंसान जो भी ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ है ना, अगर वो सड़ा नहीं प्रॉपरली या सड़ गया बट उसके बोन्स जहाँ के वहां रह गए। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको फॉसिल ये जो बताया था बच्चों मैग्मा वाला जो भी अभी कहानी बताई थी डायनासोर, तो उसमें पेट्रीफाइड फॉसिल्स मिलने की ज्यादा चांसेस होते हैं। प्रिंटेड फॉसिल्स और द मोल्डेड फॉसिल, मोल्डेड फॉसिल क्या होता है ना, एक दो एनिमल का पैर है ना वो उसका प्रिंट आ गया, या लीफ है, लीफ नीचे गिर गया जमीन के ऊपर, देखो बहुत तेज बारिश हुई और बहुत बड़ा पेड़ है उसका लीफ नीचे गिरा जमीन के ऊपर गिरा, अब कुछ देरों बाद में तूफान आया और वो पेड़ भी गिरा उसके ऊपर, वो लीफ के ऊपर। ठीक है, अब आप सोचो कि लीफ के ऊपर पेड़ गिरा है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो पेड़ का ताकत तो ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो लीफ जो है ना, लीफ जो गिरा था उसका एग्जैक्ट प्रिंट बेटा उस मर्ड के ऊपर कीचड़ के ऊपर आ जाएगा, एंड थाउजेंड्स इयर्स बाद में वो जो मर्ड है जहां पर प्रिंट आया था वो धीरे धीरे सूखा, फिर उसके पत्थर बन गया और इस तरह से बेटा उस पत्थर के ऊपर आपको एंटायर लीफ का प्रिंट जैसे के वैसे आज भी देखने को मिलता है। इसको हम लोग प्रिंटेड फॉसिल या मोल्डेड फॉसिल कहते हैं। ठीक है, इवन आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसके विंग्स का साइज मतलब विंग्स फिदर सब कुछ बेटा प्रिंटेड है, सब कुछ प्रिंटेड है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो ये जो विंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उस पत्थर के ऊपर एग्जैक्टली बेटा प्रिंटेड है एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, इवन बेटा स्केलेटन भी आपको देखने को मिलेंगे साइमल्टेनियसली उसके आजू बाजू में उसके विंग्स का वगैरह सारे फीदर्स का बेटा प्रॉपर प्रिंट अवेलेबल है। ठीक है, सो यार इसी को हम लोग बोलते तो है ना। अब इसमें लिविंग फॉसिल्स भी हम लोग बोलते हैं, लिविंग फॉसिल के बारे में आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, लिविंग क्रॉब है ना, लेटिमेरिया जो सिलोकैंथस या बोनी फिशेस है, ये तो सिलोकैंथस तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है। हुआ क्या था कि ये जो लेटिमेरिया या सिलोकैंथस फिश जो है माना जाता था कि यार ये 2 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर थे, ठीक है, और फिर बाद में इनकी डेथ हो गई, वो खत्म हो गए, बट आज भी बेटा है ना लगभग 1936 में वगैरह इस जगह ईयर्स में बेटा ये सिलोकैंथ फिश फिर से डिस्कवर हुए, फिर से लोगों को दिखाई देने लगे है ना, तो फिर समझा कि भाई ये लिविंग फॉसिल है। या स्पिनोडॉन है ना, इसको बोलते तूतरा, दैट इज बिलोंग्स टू द ऑर्डर रेनोकोफेली विद द पिनियल आई और द थर्ड आई। सो ये सारे जो है बच्चों ये अभी भी जिंदा है, बट ये तब से है जब से इनके साथ के जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेथ हो गई है, वो उनके आज फॉसिल मिलते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स एक बहुत बड़ा बेटा एविडेंस है। हेलो, उसके बाद आता है बेटा एविडेंसेस फ्रॉम द एटाविज्म और द रिवर्शन। ये एक बड़ा ही अजीब सा कार्यक्रम है, इसको बड़ा ध्यान। एटाविज्म क्या होता है? एटाविज्म सडन अपीयरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन आवर, जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को पूंछ है, टेल। अब टेल होने का क्या मतलब है यार, वो तो इंसान है, टेल क्यों है? इससे ये साबित होता है कि अभी भी वो जो जीन है टेल बोन है, टेल बनाने वाले जो जीन है वो अभी भी हमारे अंदर है, वो गए नहीं। ठीक है, वो सडनली कभी कभी म्यूटेट होकर के वापस आ जाते हैं। सो अपीयरेंस ऑफ द डेंस बॉडी हेयर ऑन द ह्यूमन, या अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल टेल इन द न्यूबॉर्न बेबी, प्रेजेंस ऑफ द 2 एक्स्ट्रा एब्डोमिनल निपल इन द ह्यूमन मेल, और एनलार्जिंग ऑफ द कैनिन टीथ, कैनाइन टीथ एकदम से बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में कैनाइन टीथ तो ये नॉर्मल है, बहुत से लोगों ने कैनाइन टीथ जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है एटाविज्म है, एटाविज्म मतलब रिवर्शन। ठीक है, सडनली एंसेस्ट्रल कैरेक्टर एक हाथ किसी बंदे में देखने को मिल जाता है, इससे तो साबित ही होता है यार।
कि हमारे एंसेस्टर के पास टेल थी, बहुत सारे हेयर थे, बॉडी हेयर थे, ये सब पता होता है। ठीक है, तो यहां तक बेटा हम लोगों ने, यहां तक हम लोगों ने चीजों को नोटिस किया है। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये ऑनलाइन पे अवेलेबल है, ठीक है, बट अच्छे है। बट हमें एक बात नोटिस करनी है कि ये दो, अब यहां से जो हमारी एनसीआरटी जो होती है, मतलब एनसीआरटी के बारे में बात करोगे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। डायलॉग बाजी, इतना डायलॉग, मतलब ऐसे लगता है कि ये कोई एक नॉवेल है। अगर आप अभी नोट्स देख रहे थे, नोट्स पे क्या था, हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद वो है, जो मैं आपको सेट करूंगा अभी। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा सीधा दिख रहा है। अभी देखो डायलॉग, द यूनिवर्स इज वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। ये क्या जरूरत है भाई, द यूनिवर्स इज वेरी वेरी ओल्ड। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या आपको दिखाई दे रहा है, almost 20 billion years old. Huge clusters of the galaxies comprises the universe. Galaxies contain stars and clouds of the gas and dust. Considering the size of the universe, Earth is indeed a speck. फिर से वही बोल रहा है। उसके बाद कहता है, the Big Bang theory attempts to explain to you, to us, the origin of the universe. It talks of the singular hues. आपको पता है ना singularity का concept, पता है आपको, किसी को पता है आपने से? Anyone knows the concept of the singularity? Hello, singularity क्या होता है भाई? Singularity का concept किसी को भी नहीं पता? Hello, anyone of you? No sir. Singularity का मतलब यही है कि हम लोग है ना, मतलब अगर ये जो होता है, जैसे कि एक न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात करोगे तो पॉइंट ओरिजिन, बिल्कुल सिंगुलैरिटी जिसको बोलते हैं। ये बिग बैंग वगैरह कैसे हुआ, मतलब आप समझो ना कि सारा जितना भी बड़ा यूनिवर्स है, जितने भी गैलेक्सीज है, जो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है, वो जो है डेफिनेटली बेटा वो सारा एक ही पॉइंट पे था, मतलब एक जगह से एक पॉइंट पे सारा एक जगह कंडेंस था। इतना ज्यादा वो कंडेंस्ड हो गया, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ एक पॉइंट पे कंडेंस हो गया, ब्लास्ट हुआ, बड़ा सा ब्लास्ट। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे वही उन्होंने थोड़ा सा लिखा है, If it talks of the singular Hughes explosion, unimaginable in a physical terms. हम लोग हमारे जो physical term है बेटा, इस चीज को explain नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। The universe expanded and hence ठीक है, तो मैं कुछ points आपको दिखाना चाहूंगा जो कि नोटेबल है, जो कि एनसीईआरटी में है। यहां पे बेटा नोटिस करना कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सिंपली हमें बताए हैं,
जैसे कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने कहा है द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन. अब लिखा है कि हाइड्रोजन एंड हेलियम फॉर्म सम टाइम लेटर. ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी वाला जो कंसेप्ट है उसको बेटा हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करना चाहती है. हाइड्रोजन एंड हेलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर. द गैस इज कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स. नाउ इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. आपको एक और गैलेक्सी पता होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे पास में है. ठीक है, और वो गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे है ना, क्या नाम है यार उसका, गैलेक्सी का नाम क्या है जो बिल्कुल क्लोज है हमारे, एंड्रो क्या क्या एंड्रो है ना, ऐसा कुछ है. ठीक है, एंड्रोमेडा बोलते हैं उसको, बराबर. ठीक है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी है ना, इन दोनों गैलेक्सीज का फ्यूजन होने वाला है. ये तो बहुत बड़ी बात है, तब हम लोग बिल्कुल पता नहीं कहाँ होंगे, हमारा कोई एग्जिस्टेंस वहां पे नहीं होगा, ना मेरा ना आपका ना आपके आने वाले 100 जनरेशन का. ठीक है, तो किसी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब की ये बात है. तो अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. अब ये वाला स्टेटमेंट देखो है ना, हाइड्रोजन और हेलियम वाला फॉर्म समटाइम्स लेटर, ये जो है. ठीक है, तो यहां से बेटा यहाँ सिंगुलैरिटी वाले कंसेप्ट ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट इन्होंने कुछ चीजें ऐसे लिखा है, क्लियर क्लियर लिख नहीं रहे. देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ अर्ली अर्थ. अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मासेस कवर्ड द सरफेस. नोटिस करो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर वेपर, H2O, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एज वेल एज व्हाट द अमोनिया. ये चार चीजों के बारे में यहाँ पे बोलता है. देखो यहाँ पे बहुत सिंपली, बट नीचे एक लेटर लिखा मैंने H2, ठीक है, वो पहले ही बन गया हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो यूनिवर्स में बना था, अर्थ के ऊपर बात नहीं कर रहे हम लोग. अब थोड़ा देर से देखना उसके बाद क्या लिखते हैं. द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है बाद में आया, अंडरस्टैंड करो ये पॉइंट को, फिर से मैं बोलता हूं थोड़ा ध्यान से. यूनिवर्स का जब ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का जब ओरिजिन हुआ देख, ठीक है, द यूनिवर्स एक्सपैंडेड हेंस है ना, उसके बाद में इट टेक्स सिंगुलर एक्सप्लोजन, ये हुआ द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेंपरेचर केम डाउन एंड हाइड्रोजन एंड हेलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर. तो हाइड्रोजन और हेलियम ये यूनिवर्स के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले एलिमेंट है जो बने हैं, और इनके जो गैसेस बने बेटा वो कूल डाउन हुए हैं ग्रेविटेशन इफेक्ट की वजह से, बेटा फिर इनकी गैलेक्सीज बनी. इज इट क्लियर? ठीक है, अर्थ के ऊपर जो हाइड्रोजन आया है वो बाद में आया है जब H2O को तोड़ा गया बाय द यूवी रेज. इज इट क्लियर टू यू? यस एवरीवन? यस सर, सबको क्लियर है. ठीक है, मतलब अगर आपको ये आप ये पढ़ोगे सर पहले हाइड्रोजन आया फिर हाइड्रोजन आया, ये क्या है? ठीक है, तो वो एस्केप हुआ है. एस्केप हुआ मतलब वो अर्थ में रिलीज होता चला गया है. नाउ यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन कंबाइंड विद द अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर. ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंड विद द अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, तो वाटर बनाने के लिए कंबाइन हुआ. CO2 एंड अदर्स, ये सारी चीजें तैयार हो गई. ठीक है, ओजोन लेयर बना एंड साइमल्टेनियसली जो अभी मैंने आपको बातें बताई थी. ठीक है, ये सब है, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, वो देखो, लाइफ अपीयर्ड 500, देखना लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. समझ रहे हो, 500 मिलियन ईयर्स
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अभी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स है, समझ रहे हो क्या है ना? स्टेटमेंट क्या है देखो, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स है, ठीक है. लाइफ कहां कब अपीयर हुई है? लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक. दिख रहा है आपको पॉइंट सब? दिख रहा है आपको एनसीईआरटी क्या दिखाना चाहती है? 3.5 बिलियन ईयर्स नहीं, 4 बिलियन ईयर्स बैक. एवरीवन गॉट इट और नॉट? हेलो. यस और एनसीईआरटी क्या बोलती है? ये हमें फॉलो करना है, ये हमें फॉलो करना है, ठीक है. इसको कभी ये नहीं करना. अभी देखो ये तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ये सब सब तो बातें है ही, बट यहाँ पे उन्होंने ओपेरिन वाला भी कंसेप्ट बताया है, ठीक है. एनसीईआरटी क्या कहती है देखो, ओपेरिन वाला कंसेप्ट यहाँ पे देखो क्या कहता है. बट जब ओपेरिन वाला कंसेप्ट वो बताते हैं, है ना, कुछ चीजें यहाँ पे आपको नोटिस करनी है. यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते माइक्रोस्पियर ये वो कुछ भी नहीं. वो बोलते हैं कि ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड propose that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecules. Non-living है but organic molecules है. Example RNA and protein. मतलब आपको पहले तो समझना है protein एक non-living organic molecule है. Hello, protein is not living. RNA is not living. They are the non-living organic molecules. Is it clear? Is it clear? Yes. And that formation of life was preceded by chemical evolution. जिसको हम लोग बोलते हैं first phase, second phase, third phase जो बताया, वो सारा chemical evolution है. Formation of the diverse organic molecules from inorganic constituents. ये आप ही हुआ. Inorganic से organic चीजें बनी. Now the conditions on Earth were high temperature. वही चीजें volcanic storm, reducing atmosphere, containing, थोड़ा ध्यान देना, CH4, NH3, etc. लिखा है. Now, in 1953, S.L. Miller, तो यूरे मिलर वाला जो experiment है, an American scientist created similar conditions in a laboratory scale. He created electric discharge in a closed flask containing CH4, H2 and NH3. Ratio क्या है इसका? इनके बीच का ratio क्या है? 2:2. ये रेशियो अब यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा बट क्वेश्चन में है, मतलब नीट में. एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस. नाउ यहाँ पे नोटिस करो, ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स. क्या लिखा है? ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना. इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व. अभी ये वाला स्टेटमेंट देखा आपने, क्या कह रहा है? इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व. ये देखो, इसको अंडरलाइन करो. देखो ये देखो, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स. उसने अमीनो एसिड्स को बनते हुए देखा. किसने? मिलर भाई साहब. बाकी लोगों ने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, nitrogenous bases, pigments and fats. दिख रहा है क्या आपको? स्टेटमेंट दिख रहा है, ठीक है. उसने अमीनो एसिड बनते हुए देखा. एक क्वेश्चन के बारे में और भी मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स को बनते हुए देखा, ठीक है, बट कौन से अमीनो एसिड? तो एलानिन, ग्लाइसिन, ये दो ही है मेन एक्चुअली. ग्लूटामिक एसिड नहीं. कौन सा एसिड नहीं बेटा? ग्लूटामिक एसिड नहीं, ठीक है. तो इसके एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों ने फिर से रिपीटेडली, है ना, परफॉर्म किया. तो तब उनको बेटा शुगर भी बनते हुए दिखाई दिए, नाइट्रोजनस बेसिस, बाकी भी अमीनो एसिड्स बनते हुए दिखाई दिए, पिगमेंट्स एंड फैट्स, ये सब कुछ बेटा उस एक्सपेरिमेंट में बनते हुए दिखाई दिया उनको, मतलब उस सिमुलेशन में, ठीक है. नाउ यही चीज अभी मैं फिर से बता रहा हूँ.
analysis of the meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in a space. तो हम लोग क्यों निकल पड़े भाई इतने स्पेसशिप लेकर के, स्पेसएक्स ने एलन मस्क निकल चला, चलो चलो मार्स पे चलो, इधर चलो उधर चलो, क्यों? क्योंकि जब मेटियोराइट्स की हम लोग स्टडी करते हैं तो जैसे अर्थ के ऊपर हुआ था वैसा ही बेटा आपको मेटियोराइट्स में कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं. तो हमें ये लगता है एज ए ह्यूमन बींग कि वी आर नॉट अलोन, यूनिवर्स में हम अकेले नहीं है, कहीं तो हो रहा होगा, या तो है ना बाद में वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ ही जाएंगे, है ना. तो ये चीज बहुत ही नोटिसेबल है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है. विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजंक्चर स्टोरी दैट इज केमिकल एवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड. नाउ यहाँ पे आपने एक वर्ड नोटिस किया क्या इस स्टोरी को, वो क्या कह रहा है एनसीईआरटी हमारा, क्या आपने वर्ड नोटिस किया बच्चों? क्या आपने नोटिस किया वर्ड? कैसी स्टोरी है ये? स्टोरी है कंजंक्चर्ड. कंजंक्चर्ड का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? देखो जब भी हम लोग अनुमान ये शब्द बोलते हैं, अनुमान पता है ना, अनुमान लगाना, अंदाज है ना, मतलब आधी अधूरी जानकारी के ऊपर बेटा बहुत सारा एकदम है ना एकदम कहानी जड़ देना, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्चर्ड स्टोरी. मतलब हम कितना भी इस चीज को आज बिलीव करते हैं बट ठीक है, ये एक कंजंक्चर स्टोरी है, दैट इज अ केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड. ठीक है, इस कहानी को मतलब ये पूरा जो है इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसके अलावा बेहतर आंसर हमारे पास है नहीं. सो वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज. मेटाबॉलिक कैप्सूल का मतलब ही सेल है, सेल. नाउ अब आपको मैं एक बढ़िया चीज दिखाऊंगा, उन्होंने क्या कहा है थोड़ा ध्यान से देखना. द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर forms of life could have originated 3 billion years back. क्या है बेटा वो? Non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो मैंने करके रखा है, life appeared 500 million years after the formation of earth. That is almost 4 billion years back. Yahao, the first non-cellular form of life could have originated 3 billion years back. इतना लोगों को क्लियर है? क्या क्या लिखोगे बताओगे? क्या लिखोगे? 4 billion years, 3 billion years. Hello? अरे कुछ फोर क्यों सर? ये तो ऐसा बता रहा है कि नॉन सेल्यूलर के पहले सेल्यूलर. हाँ बस बस मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, मतलब क्या आपको बस अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए. वो कह रहा है कि लाइफ, लाइफ का मतलब उसका क्या है, क्या मतलब है लाइफ का, लाइफ का क्या मतलब है भाई? 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ अपीयर्ड. लाइफ का क्या मतलब है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ तो इसको भी नहीं कह रहे हम लोग. इसका आपको शायद आपको समझ में नहीं आया. देखो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिखाता हूँ, लेट्स सी. यहाँ देखो, ओपेरिन एंड ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ द इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल, नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन. फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज ये बोल रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है,
ये बोल रहा है the first non-cellular form of have originated, that is उसी को हम लोग क्या बोले, they would have been giant molecules, RNA, protein, polysaccharide, etc. So these capsules reproduce their molecules, perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about, देखो यहाँ पे ये देखना, 2000 million years ago, मतलब क्या बेटा, 2 billion years ago, 2000 million years मतलब ही 2 billion years ago पहला single cell आया है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कह रही है. सेलुलर फॉर्म, सेल पहला, फर्स्ट सेल केम 2 billion years ago. नॉन सेलुलर फॉर्म केम 3 billion years ago. I don't know what about the life then. Life arrived origin and a 4 billion years ago. तो आप कोई भी दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट देखोगे कहीं पे भी, तो 4 billion years ago life आया, ये कहीं कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा. हेलो, isn't it? हेलो सर, सेल अगर 2 billion years पहले आया, क्या बेटा, क्या फिर से बोल. सेल अगर 2 billion years ago है तो लाइफ 4 billion कैसे हो सकती है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना. तो वहां पे एनसीईआरटी खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. हेलो, इजंट इट? मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? आपको आंसर को टू द पॉइंट रखना है. टू द पॉइंट मतलब जैसे कि, जैसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, तो आप बोल रहे हैं सर 3 billion years है, ठीक है, समझ रहे हो? अब मैं बोलूंगा, अच्छा पहला सेलुलर फॉर्म कब आया, तो आप बोलोगे सर 2 billion years है. क्योंकि लाइफ का क्या मतलब है, लाइफ का क्या मतलब है, व्हाट यू वांट लाइफ, लाइफ का तो क्या मतलब है भाई. हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं हमें नहीं पता है, वी डोंट नो. मतलब आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाओगे, कहीं पे दूसरे गैलेक्सी में जाओगे, वहां पे आपको लाइफ किस फॉर्मेट में मिलेगी, यू डोंट नो. हो सकता है वहां पे लोग सिलिकॉन पे जीते होंगे, यस और नो? हेलो, वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो. हम यहाँ पे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे भी वैसा ही होगा, ये बिलीव करना ही सबसे बड़ी गलती है. So these were probably the single cell. All life forms were in water environment only. So this version of biogenesis, that is the first form of the life arose slowly through the evolutionary process from non-living molecules, is accepted by the majority. है ना, ये वो कह रहा है. However, once formed, how the first cellular forms, वो तो आपको मैंने अभी बता दिया. Normal है ये. अभी यहाँ तक clear है बेटा सबको? किसी को कोई confusion है क्या? कुछ मैंने वो एनसीआरटी का मुझे मुद्दा दिखा रहा था. बाकी अब हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ. हम एविडेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एविडेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है. फॉसिल्स वाले एविडेंस नहीं पूछते, वो पूछते हैं जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और बहुत कभी कभी कनेक्टिंग लिंक के बारे में पूछते हैं. तो मैंने आपको कुछ अभी नोट करके दिया था कि कौन कौन से कनेक्टिंग लिंक है, वो सारे कनेक्टिंग लिंक के बारे में आपको क्वेश्चन आता है. क्लियर है बच्चों? हेलो, यस सर, ठीक है, वो सारे कनेक्टिंग लिंक के बारे में आपको क्वेश्चन आता है. तो कोई बात नहीं, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ो, और वो नोट्स भी मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? वो थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम, नीटली क्लीन करके मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? सो आज बेटा हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. संडे को हमारा फिर से लेक्चर है, तो उसमें हम लोग इवोल्यूशन के मैक्सिमम जो है जितने भी एविडेंसेस, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इवोल्यूशन के जो भी फंडे हैं इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. एक पॉइंट इवोल्यूशन का हमने पहले भी पढ़ा है, और वो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं. बट यहाँ पे हमें
उसको इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मतलब थ्योरी थ्योरेटिकल व्यू उसका देखना है, कंसेप्चुअल व्यू उसका देखना है। तो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं पे रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्या बेटा बोलो? थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय सर, थैंक यू।